हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी ऑनलाइन में। फ्रेंड्स, आज हम सीजीएल 3 मार्च 2020 के मॉर्निंग शिफ्ट 10 बजे से 11 बजे के क्वेश्चन पेपर के आंसर की को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, तो इसे पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, क्योंकि इस पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं और एक वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस को नहीं देख सकते, तो आपकी सुविधा के लिए हमने इस पेपर को पार्ट में बांट दिया है। पहला पार्ट था इसका जनरल इंटेलिजेंस, जिसका वीडियो मैंने पहले ही बना लिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन को दबाएं, वहाँ पे आपको हमारा लिंक मिल जाएगा। दूसरा है जनरल अवेयरनेस, तीसरा है क्वांटिटी एप्टीट्यूड और चौथा है हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो अभी हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो हमारा आंसर है साइनोलॉजी। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यटन स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? हमारा उत्तर है विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? शुष्क बर्फ। इसका आंसर है शुष्क बर्फ। अगला प्रश्न है, लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? इसका आंसर है 1818 में। अगला प्रश्न है, लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने से उनकी सहायता करता है, यह है पकवासे, जिसे कहते हैं गिजर्ड। अगला प्रश्न है, बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्र कलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप में प्रयोग किया? तो ये है घोड़ा का। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हैं? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं फ्रेंड्स गोटबाया राजपक्षे। अगला प्रश्न है, उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इनका नाम है जेम्स चैडविक। हमारा अगला प्रश्न है, सर थॉमस रॉ इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? हमारा उत्तर है जहांगीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलाम रसूदी द्वारा नहीं लिखी गई? हमारा आंसर है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। अगला प्रश्न है, कोल्थुनाडु बल्लूप नाड और थेकुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य हैं? हमारा उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है रोम में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत से किसकी करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया? हमारा आंसर है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक और नारीवादी सावित्री बाई फूले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? हमारा आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले और शांति कूटनीति के लिए ख्याति प्राप्त डैश के सुल्तान काबूस बिन सईद का हाल ही में 2020 में निधन हो गया? हमारा आंसर है ओमान के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, विजयनगर की राजधानी
प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? हमारा आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, उस लेखक का नाम बताएं जिसने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता। हमारा आंसर है शशि थरूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? हमारा आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणावल्ली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारा आंसर है शतरंज। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 तक श्री भूपेन बघेल निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? हमारा आंसर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, विच ऑफ दीज बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर? आंसर है हमारा फीमर। अगला प्रश्न है, नेम द मीडिया कंपनी दैट परचेज्ड द लेजेंडरी स्टूडियो ऑफ 21st Century Fox? आंसर है डिज्नी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी को नाटकीय रूप से दर्शाया है? हमारा आंसर है विद्या बालन। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है? हमारा आंसर है 3.28%। अगला प्रश्न है, लगातार चार टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान में एकमात्र बल्लेबाज कौन है? हमारा आंसर है विराट कोहली। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और इसी तरह आप तैयारी ऑनलाइन से जुड़े रहें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।